अपनी पसंदीदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्ले मूवीज, बेल आइकन को दबाएं। कर क्या समझते हैं अपने आप को, एक मिनट रुक नहीं सकता स्टुपिड इंसान। अरे इसमें इमोशनल होने की क्या जरूरत है, बस छूट गई तो क्या हुआ मेघा? मेघा मेघा क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कुछ होता ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, ये भी कोई लाइफ है? थैंक यू मैम। वो देख जहाँ भी गए बाहर गाड़ी खड़ी है, जहाँ चले लोग सलाम कर रहे हैं, लाइफ में कभी बस के पीछे भागी नहीं होगी तो फिर मैं क्यों? क्योंकि तुझे कॉलेज जाना है। नहीं, इसलिए कि मैं कोई नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। क्या बात कर रही है तू मेघा? यार काफी नहीं है शीतल। काफी नहीं है? क्या काफी नहीं है? ये स्लो जिंदगी, ओ गॉड, दैट्स नो जिंदगी। काफी नहीं जो भी है, काफी नहीं जो है। काफी नहीं जो भी है, चाहिए जगमग भी।
पैक कर दूं? नहीं, मुझे ड्रेस इतना पसंद नहीं है। I want to try this one. Sorry, madam. अगर लेना है तो ही कहिए। लेना नहीं है का क्या मतलब है? देखिए, शीतल छोड़ो, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। कौन सी गाड़ी? हमारी गाड़ी। अब हम यहाँ एक पर भी नहीं रुकेंगे। ये लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मेघा, मेघा गाड़ी आ गई। कहाँ है? ओह, वो रही हमारी गाड़ी, मर्सिडीज। चलें? हाँ, चल।
मम्मी से कहकर यहाँ के सारे कपड़े लौटा दूंगी। क्या क्या? नहीं पीछे है। मेघा तुम 20,000 के कपड़े लौटा दोगी? बिल्कुल, कोई तमीज नहीं इन्हें। सॉरी मैडम। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। ए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। मैडम प्लीज, मैंने कहा ना तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम। जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है वो? मर गए। अब क्या करें? मुझे क्या मालूम। आइए मैडम, प्लीज प्लीज मैडम। 100 करोड़, उनसे कह दो कि 100 करोड़ हमारा फाइनल ऑफर है। टेक इट और लीव इट। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, बाहर बहुत बारिश हो रही है ना। चल। हेलो क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सीलिया, टेल मी। सर, राजन सॉफ्टवेयर के साथ आपकी बोर्डरूम में मीटिंग चल रही है। मिसेस राजन दोषी एंड मिसेस सुनील दोषी है काम। उसके बाद न्यू एज सॉफ्टवेयर के साथ आपकी मीटिंग है। तो वो कोचर इंडस्ट्री से फिर से कॉल आया था। मिसेस सुंदरम के साथ लंच अपॉइंटमेंट और फिर हमारे इंजीनियर्स के साथ एक टेक्निकल मीटिंग। तो ये कुछ पार्टीज के इनविटेशंस हैं। कॉल करके मना कर देना प्लीज। मैं कर चुकी हूँ सर। थैंक यू सिलिया। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। कांग्रेचुलेशन सर, आप राजन सॉफ्टवेयर के नए मालिक हो। सर आपने मैगजीन देखी? कौन सी मैगजीन? ये आपके सामने है, आप कवर पे हो, इंडियाज यंगेस्ट करोड़पति। क्या बात है सर, आपने अभी भी 100 करोड़ की डील साइन की है, आप खुश नहीं हैं? ऑफ कोर्स मैं खुश हूं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Hi, Dad. Shit. अगर इतनी खुशी मिलती है तो पियो डैड। What? तू मुझे सिगरेट पीने की इजाजत दे रहे हो? चक्कर क्या है यार? कोई चक्कर नहीं है। अच्छा समझा, राजन सॉफ्टवेयर से अग्रीमेंट नहीं हुआ। अग्रीमेंट हो चुका है। देखो बिजनेस में ऐसा होता है, डोंट वरी अबाउट इट, दिस ऑल। क्या अग्रीमेंट हो चुका है? अरे बेवकूफ, 2 साल से तू इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा था, खाना पीना सोना सब भुला के, अब हो गया तो ऐसे। आई थिंक दिस इज टेरिफिक, दिस इज मार्वेलस, दिस इज माय चिकन, ओह माय गॉड, ओह नो, आई डोंट बिलीव दिस, नॉट अगेन। क्या बात है वरुण, तुम तो कह रहे थे ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए सब कुछ है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, पर अब लगता है जैसे करने को कुछ बचा ही नहीं है, वही काम वही मीटिंग्स। आई थिंक तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। तू अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पे जा, पिक्चर देख, डिस्को जा। आपने कभी मुझे डिस्को जाते हुए देखा है डैड? नहीं, क्योंकि शहर के सारे डिस्कोस तेरी ऑफिस से पहले ही बंद हो जाते हैं। अब आप और कुछ नहीं कहेंगे और डिस्को की ओर रवाना होंगे। किसके साथ? अकेला जाकर नाचो? अकेले नहीं, वो हाँ सारिका के साथ। कौन सारिका? वो मेरे दोस्त मेहरा की बेटी, अभी अभी अमेरिका से लौटी है, कह रही थी उसका कोई दोस्त नहीं है, बोर हो रही है, उसके साथ जा। कम ऑन डैड। मैं अभी सारिका को फोन करता हूँ। डैड 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 प्लीज मेरी बात सुनिए। डैड डैड मेरी बात तो सुनिए आप। हाय मेरा, क्या हाल है? अच्छा सुन यार, वरुण सारिका से मिलना चाहता है। डैड प्लीज, वो है वहां। कौन सारिका? कौन सा नंबर चाहिए आपको? हाय सारिका, कैसी हो? क्या
देखो तुम्हारा कोई आज प्लान तो नहीं जाऊंगा। अरे तुम पागल हो क्या, यहाँ कोई सारिका नहीं रहती है। वरुण डिस्को जा रहा था तो मैंने सोचा तुम भी उसके साथ। डैड मैं तो मैं उसे कहूँ कि वो तुम्हें पिकअप करे। डैड वो तुम खुद आ जाओगी, दैट्स इवन बेटर। वो जो नया डिस्को खुला है बिम्बो सिटी, वरुण तुम्हें वहां 9 बजे मिलेगा। आपको जाना है तो चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। बाय। 9 बजे बिम्बो सिटी जाओ। डैड आप बिल्कुल पागल हैं। देखो आज भी जब मैं उदास होता हूं ना, मैं तेरी माँ के बारे में सोचता हूं, हम कैसे मिले, प्यार कैसे हुआ, और यही यादें मेरे लिए सब कुछ है। तेरी यादें क्या होंगी, तेरा ऑफिस, तेरा बैंक बैलेंस। कम ऑन गेट अ लाइफ। सुन मेघा चल घर पे चलते हैं यार, मम्मी पापा को पता चला तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर पे हूँ। लेकिन नहीं मैं तेरे घर पे हूँ, नहीं तू मेरे घर पे, हम लोग दोनों यहाँ पर हैं। देख अब हम यहाँ तक आए ना तो डिस्को में जाना पड़ेगा। नो रिजर्वेशन नो एंट्री। मेघा हमारे पास रिजर्वेशंस भी नहीं है। रुक मैं कुछ सोचती हूँ। Hey Riz, Hey man, Hi darling, Hi. Welcome to Bimbo City. आठ में बुलेट, वरुण आ रहा। लाइन में क्या कर रहा है डार्लिंग? अरे Riz, रिजवान कॉलेज में तेरे नोट से ही तो पास हुआ था। Hey Riz, कैसा है? सेक्सी डार्लिंग, तू बता। संत कंप्यूटर श्री साला, जिसको मैं कैसे? ऐसे? कोई साथ में आया है या कंपनी अरेंज करूं? नहीं कोई आ रहा है। सारिका। सारिका हाँ, सुनो मिस सारिका आएंगे उन्हें टेबल नंबर 7 पे ले जाना, साथ में कोई होगा तो उन्हें भी। यस सर। एंजॉय योरसेल्फ मैन, अपना ही डिस्को समझ। थैंक्स Riz, टेक केयर। ओह माय गॉड पतल मीरा कहाँ? One and only Almira Kocher. Welcome to Bimbo City. तुम्हारे डिस्को के बारे में बहुत सुना था मैंने, सोचा आज मैं देख ही लूं। आज तक यहाँ देखने लायक कुछ नहीं था, अब है। Please come in. आइए चल। हाँ कहाँ मेघा? अलमीरा के साथ क्या बात कर रही है? Excuse me. आपका नाम? हम मिसेस अलमीरा कोचर के साथ हैं। नाम? ये रहा सारिका पार्टी। मैं हूँ सारिका। And I'm the party. Oh, Miss Sarika, are you please? Thank you. Oh my God. Wow. Excuse me, ma'am. Huh? Table number 7 that way. Thanks. Thank you. Dad. मैं क्यों आपकी बातों में आता हूं? मैं यहां क्या कर रहा हूं? सारिका पता नहीं कौन है, कैसी है। एक्सक्यूज मी सर, मैं सारिका आ गई। सारिका? हाँ तुम सारिका हो ना? ओ हाँ सारिका, मैं सारिका हूँ। हाय वरुण, हम पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा कब? बारिश से बचने के लिए तुम मेरी कार में आई थी। ओ हाँ बहुत छोटी दुनिया। हाँ वो तो है। शीतल वरुण, वरुण शीतल। हाय वरुण। ओ आई एम रियली सॉरी। मैं घर से नहा कर आया हूँ कसम से। तो क्या लोगे?
कोई भी कॉकटेल चलेगा। अच्छी जगह है, मेहनत का फल एंड ऑल दैट। डैड के बगीचे का फल, 25th बर्थडे गिफ्ट। ओह, बिजनेस का बिजनेस, बोर हुए तो पार्टी। तुम्हारे लिए कॉस्मिक पंच, वोडका, सिलांत्रो, क्रुसाओ, ऑरेंज जूस और मेरा प्यार। और प्यार कैसे मिलाया? दिल लुभा के। पर मैंने कहा नहीं, मैं एक्सपोज नहीं करूंगी, हॉलीवुड हो या जो भी, आखिर मैं भारतीय हूँ। क्यों शीतल? हाँ, इस कॉकटेल में शराब तो नहीं है ना? क्या पी रही है? काफी स्ट्रांग है। अच्छा है। शीतल आराम से। यस सारिका। फिर छोड़ो, तुम विश्वास तो करोगे नहीं। क्यों, बताओ ना प्लीज। वेल, वहां से मैं अफ्रीका गई। अफ्रीका? क्यों? वहां के आदिवासियों को स्टडी करने। तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे सामने उन्होंने एक इंसान को पका के खाया, तंदूरी इंसान। तुम्हें डर नहीं लगा? मैं किसी से नहीं डरती। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गई है। मैं जा रही हूँ डांस करने, बाय। उसके बाद उनके सरदार ने कहा मुझसे शादी कर लो, तो मैंने कहा बस बहुत हुआ, अगला हाथी पकड़ के एयरपोर्ट और अगले प्लेन से मुंबई। वाओ, और मैं पिछले 7 साल से एक दफ्तर में बैठा रहा। छोड़ो, तुम डैड से कैसे मिले? किससे? मेरे डैड से। तुम्हारे डैड से? सारिका, मेरे डैड ने ही तो फोन करके तुम्हें यहाँ बुलाया। ओ हाँ, तुम्हारे डैड ने। लेट्स डांस। डांस? ओह नो, मैं डांस नहीं करता। मैं भी नहीं करती, कमाल है, कौन हो? कजरारे नैना वाले, कजरारे कजरारे नैना वाले, नैना तेरे चंबल दे लुटेरे, कजरारे कजरारे नैना वाले, कजरारे कजरारे नैना वाले। वरुण आ गया, कहते हैं मुझे बात इसका शौक नहीं। अब देखो मचानों से बादल उड़ाते। शर्मिला है बस, मेरे कॉलेज का दोस्त। अच्छा, तुम अपनी दोस्ती दांव पे लगाओगे? सारी मेरे यहाँ पार्टी है, बस जस्ट अ स्मॉल गैदरिंग, 100-200 लोग। तुम वरुण आर्या को वहाँ लाकर दिखाओ। जो हुक्म सरकार, लेकिन आप बस इस गुलाम के साथ रहेंगे। और मिस्टर कोचर? वरुण उनसे बिजनेस की बातें करेगा। नैना तेरे चंबल दे लुटेरे, ऊंची मचानों से बादल उड़ाते हैं, सूखे नसीबों पे बारिश बरसाते हैं, जीवे तेरे नैना दे लुटेरे, कजरारे कजरारे नैना वाले, कजरारे कजरारे नैना वाले। Yeah.
चैन से है वो सारे नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना रंग गए जरारे नैना वाले नैना है आकाश में उड़ते बरसे तो झीलों में मलहार गूंजे नैना वरुण की तो आज लाइफ बन गई शीला वर्मा मिस इंडियन ब्यूटी 2002 शी इज हॉट अरे छोड़ो हो वेट्रेस थी मेरी नजर में आ गई और आज वो सुपर मॉडल है सब मेरा दिया हुआ है डार्लिंग ओह कम ऑन तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ मजाक नहीं बस थोड़ा ज्यादा हो रहा है शर्त लगा लो कैसी शर्त यहाँ से कोई भी लड़की चुन लो कोई भी और फिर देखो मैं इसे कहाँ से कहाँ तक ले जाती हूँ ऐसे कोई भी कोई भी जो तुम चाहो keep bubbling keep bubbling mere paas aane mein aane mein side one to pass on keep bubbling keep bubbling mere paas aane mein aane mein sorry you आठ में बुलेट बाकी दुनिया के लिए तो टाइम निकालो डार्लिंग अलमीरा से तो तुम मिले ही होगे अलमीरा कुचर वरुण आर्या हम जैसों से मिलने की फुर्सत ही कहां व्हाट अ प्रीटी गर्ल क्या नाम है तुम्हारा सारिका सारिका दिस इज अलमीरा कुचर सारिका व्हाट अ लवली नेम कल मेरी ऑफिस में आके मुझे मिलना शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। See you, वरुण। See you. अलमीरा कोचर मुझसे मिलना चाहती है। मुझसे मेघा टिमगेरे से। I can't believe it. I'm sorry. कुछ बचाओ तो अभी डाल दो। मैं सब कुछ एक साथ धोकर आता हूँ। Excuse me. चल। Hey. चलो शीतल क्या जल्दी थी निकलने की मेघा मर्सिडीज में घर जाते ना आ मेरा सर और दो चार कॉकटेल्स पीने थे ए वरुण अच्छा था ना लेकिन उसे इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती तो वो वहाँ दो मिनट भी नहीं रुकता और अब तक हमें भूल भी गया होगा मेरा घर आ गया ओके बाय 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 Thank you.
भैया क्या है? बाहर बारिश हो रही है डैड। बारिश? सारे का कमाल है डैड। कौन? सारे का डैड, सारे का। गुड नाइट डैड। सारिका कौन है? आनंद तुम्हारा। झूठ, आपने मुझसे झूठ कहा डैड। यार आई एम सॉरी यार वरुण। कोई मिस्टर मेहरा नहीं, उनकी कोई बेटी नहीं, और आप ये मुझे अभी बता रहे हैं? आप जानते हैं मैं झूठ से कितनी नफरत करता हूं। यार मुझे लगा तू डिस्को जाएगा, वहां कोई खूबसूरत लड़कियों से मिलेगा यार। बस भाड़ में गया डिस्को। मैं घर आकर आपसे बात करता हूं। मैं शाम को बाहर जा रहा हूं। आप कहीं भागने की कोशिश नहीं करेंगे, समझे? मैं तो वो कौन थे? कौन? सारिका? पता नहीं बेटा। बाय डैड, मुझे बहुत काम है। ए वरुण, और जादूगर ने राजकुमारी को कैद कर लिया। लक्ष्मी, लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। और फिर बिजू, राजकुमार घोड़े पर बैठकर आया और जादूगर से कहा, कहाँ है तुम्हारी अकाउंट बुक्स? ये लो चाय, पेपर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेगा, कहाँ चली बेटा? बाबा कॉलेज जा रही हूँ। ऐसे काहे? तू इनकम टैक्स ऑफिसर की बेटी है, यू शुड ऑलवेज ड्रेस वेल। क्या होगा तुम्हारा, वो कॉलेज जा रही है, फैशन शो में नहीं। और ये बाल किस खुशी में खुले छोड़े हैं? आई वो। चल बैठ, मैं चोटी बांधती हूँ। काय के लक्ष्मी, तुम कॉलेज में चोटी बांधती तो मैं तुम्हें देखता क्या? जागा बेगा। क्या होगा तुम्हारा, बच्चों के सामने क्या बोलना क्या नहीं बोलना कुछ नहीं समझता तुम्हें। ये लो। ये देखो, आजकल के बच्चे। और हमारे बेगा, तो वो कॉलेज, दिन भर पढ़ाई, घर आतला काम। हमने तो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। इतनी मेहनत करती है तो फिर एग्जाम में 40% क्यों मिलते हैं? लक्ष्मी, मेहनत करना जरूरी है, फिर जो हो ठीक है। बोल बिजू, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बोलना राजा, 3 साल का हो गया है, तू कब बोलेगा? तुम ना उसे और बड़े बड़े शब्द सिखा, अगर वो बोलने वाला है भी ना तो भी नहीं बोलेगा। Fun for your wrist. Thanks, baby. Hello. Hey, Varun. कैसा है डार्लिंग? अरे कल रात को तो तू छा गया था। अच्छा सुन, अगले सैटरडे अलमीरा के यहाँ एक पार्टी है। कौन? सारिका। मुझे क्या पता, तेरे साथ थी ना? पड़ोसी से बीवी का पता पूछ रहा है क्या? हाँ, अलमीरा ने उसे अपने ऑफिस बुलाया तो था, पता नहीं। 8 में बुलेट, 3 क्या है? मिसेज अलमीरा कोचर से मिलना चाहती हूँ। योर नेम? सारिका। मैम, मिस सारिका आपसे मिल रहे हैं। ओके, 13th floor। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए तुम्हें?
क्यों आई हो? जी मैम, आपने मुझे बुलाया था शायद, पर तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तुमने ठीक कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम्हारा सपना है नाम, शोहरत, रुतबा, राइट? तीन हफ्ते बाद मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, एंट्रीज की लास्ट डेट आज है। ये लो, साइन करो। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। मिस इंडियन ब्यूटी, क्या मैं अपने पेरेंट्स से पूछकर आपको अभी या कभी नहीं। तुम्हारे सपनों पर मिडिल क्लास का ताला लगा हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट उस ताले की चाबी है। दरवाजे की उस तरफ एक नई दुनिया है, जहां हर कोई तुम्हें चाहता है, पहचानता है, हर एक जबान पर एक ही नाम है, और वो नाम है तुम्हारा। मेघा, तिनगिरे, सारिका, सारिका, सारिका। कल से हर रोज 11 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना। रिहर्सल्स हम 10 फ्लोर पे करते हैं। यू मे गो नाउ। ओके, थैंक यू। सारिका, सारिका, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सारिका, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? सर मैम ऑफिस में, क्या जरूरत थी? देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे मालूम है, मैडम यहाँ है। सर मैम, सर मैम ऑफिस में नहीं है। मुझे मिलना है। क्या हुआ? सर मैम, मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगा? नहीं, आप ऑफिस में नहीं जा सकते। मुझे मिसेस कोचर से मिलना है। मिसेस कोचर, मैम ऑफिस में नहीं है सर। नो नो, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, आप अंदर जा ही नहीं सकते सर। नो नो, आप सारिका कर रहे हैं सर। आप नहीं सर, देखिए सारिका, सारिका क्या कर रही हो तुम? सारिका, सारिका पागल हो गई हो क्या? ऊपर आ जाओ, गिर जाओगी। तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुमसे दूर जा रही हूं। देखिए आप हट जाइए, आप हट। देखिए सुनिए मैडम, ऑफिस में नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम ऑफिस में मिसेस कोचर से मिलना है, वो है अंदर, आप हट निकलिए। आप इट्स ओके टोनी, थैंक यू। अब ये ठीक नहीं है मिसेस कोचर। एसिडिटी, इतना सारा काम है और मैं अकेली, और ऊपर से इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है ना मिस्टर टिमगिरे। बैठिए ना। थैंक यू। अब आपको क्या चाहिए? ये इंक्वायरी। आप ये इंक्वायरी बंद क्यों नहीं कर देते? सारिका रुको, देखो मुझे बताया तुम्हें बुरा लग रहा है, बस इतना बता दो कि तुम हो कौन। मैं सारिका हूँ। सारिका मेहरा? मैंने मेहरा कब कहा? पर तुमने तो कहा तुम सारिका हो। तो क्या दुनिया की हर सारिका सारिका मेहरा है? तुमने कहा सारिका, मैंने कहा हाँ सारिका। तुम बात करने बैठ गए, मैं क्या करूं? ओह, आई सी, गलतफहमी थी, दूर हो गई, सिंपल। सारिका प्लीज, आई एम सॉरी सारिका, मेरी बात तो सुनो। एक छोटी सी प्रॉब्लम है मिसेस कोचर। कितनी छोटी? यही कोई 50 लाख। कोचर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से आप एक समाज सेवा केंद्र चलाती है, करेक्ट? इस केंद्र को दिए गए डोनेशन पर टैक्स नहीं लगता, करेक्ट? जी हाँ, कोचर वेलफेयर ट्रस्ट से हम गरीब बच्चों को एक नई उम्मीद देते हैं मिस्टर टिमग्रे। बहुत अच्छी बात है। पिछले साल आपने अपने ही केंद्र को 50 लाख रुपए दिए, जिस पर आपने कोई टैक्स नहीं भरा, है ना मिसेस कोचर? इसी केंद्र के नाम पर आपने 11 पार्टीज रखी और 4 बार देश से बाहर गई, फर्स्ट क्लास, 5 स्टार, जिस पर कुल मिलाकर आपने 24,20,000 रुपए खर्च किए। जहां तक मुझे पता है, इन पार्टीज में किसी भी गरीब बच्चे को इनविटेशन नहीं था, ना ही कोई गरीब बच्चा आपके साथ स्विट्जरलैंड आया।
सारिका, आई एम सॉरी, अब हम लिफ्ट से नीचे जाए? तुम जाओ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज? हाँ। ऐसे? हाँ, वो अफ्रीका में पेड़ पर रोज ऐसे ही उतरती चढ़ती थी मैं। पर क्यों? क्योंकि मेरा घर पेड़ पे था। पेड़ पे? क्या करूँ मैं, इतने सारे शोज, स्पॉन्सर्स, पार्टीज, इवेंट्स, अकाउंट्स तो यहाँ वहाँ हो ही जाते हैं ना। मिसेस कोचर, आप जल्द ही अपने यहाँ वहाँ को वहाँ यहाँ कर लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ डिपार्टमेंट में मैंने जल्द ही रिपोर्ट नहीं दी तो यहाँ आप पर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी। मैं चलूं, मुझे यहाँ वहाँ कुछ काम है। माय गॉड सारिका, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुमने इतनी कम उम्र में इतना कुछ देखा है। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी विश्वास नहीं होता। क्या हुआ? वो क्या है? वो? हाँ। क्या? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो क्या? वो वहाँ। क्या है? छोड़ो, रहने दो। अरे? बाय। सारिका, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। अपने डैड से ले लेना, मिस्टर मेहरा का नंबर। ए, मैंने माफी मांगी ना? नो। प्लीज। नो। सारिका, प्लीज, प्लीज। 515-1769। यस। नैना तेरे चंबल दिल तेरे। हाय डैड। हाय। ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन, समझे ना बिजू? शैल अप्रूव द वेंचर। हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू सारिका प्लीज? नहीं नहीं, यहाँ कोई सारिका नहीं है। बोला। हेलो, कैन आई स्पीक टू सारिका? नहीं बाबा, यहाँ कोई सारिका नहीं है। हाँ हाँ, नंबर ठीक है, बरोबर है। सारिका ने आपको ये नंबर दिया होगा, पर यहाँ कोई सारिका नहीं है। Shit, wrong number. Dad, उसने मुझे गलत नंबर दिया होगा या मैंने गलत सुना होगा। अच्छा, गलत लड़की का गलत नंबर। एक सिगरेट और पी लेना, सांस लेने में आसानी होगी। तुम ठीक तो हो ना बेटे? Of course, Dad. चलता हूँ, देर हो रही है ऑफिस के लिए। ओए, अबे! मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम इसलिए नहीं चुने गए कि तुम खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि मैं तुम्हें खूबसूरत बना सकूं। तुम्हें अपने चेहरे, अपने जिस्म, अपने तौर तरीके से नफरत होनी चाहिए। Suck your tummy in. फिर मैं अलमीरा कोचर तुम्हें एक नया चेहरा, एक नया जिस्म और एक नया रूप दूंगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैम, देर हो गई। Who's this? सोनल, ये हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है, सारिका। ये मॉडल? But tell me, सोनल, just do as I say. Yeah. Come on, girls. Come on, come on. Stretch to the left. One, two, three, four. Hi. I'm Andra. One, two, three, four. Hi. One, two, three, clap. One, two, three, clap. One, two, three, four, five, six, seven, eight. All two. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, welcome four, to the contest. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight.
ड्रेसेस पर तुम्हारे नाम के लेबल्स लगे हैं, ओके? हियर मेहर। थैंक यू। ज्वेलरी, मेकअप और हेयर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ओके? सारिका, यू। गर्ल्स, कल शाम की पार्टी में सोसाइटी तुम्हें पहली बार देखेगी। जैसे और जितना बताया गया उतना ही कहना, उतना ही करना। गेट इट? गॉट इट? हाँ जान। तैयारी जोरों में चल रही है। She's hot. Seema, come on. Wow. Here, take your dress. शायद। पर मुझे एक नया चेहरा मिल चुका है। Nirupama, Antra, wait, you wait. Sounds good, come. Nirupama, here's your dress. मुझे तो ये, hi baby. Hello. My God, you're looking gorgeous. Your dress? मैम, वन कम टेस्ट डिपार्टमेंट से मिस्टर टिंगरे आए हैं। उन्हें ऑफिस में बैठाओ, मैं आ रही हूँ। जी। हेलो मिस्टर कोचर। हे, कॉल मी टाइनी। टाइनी, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। अर्पिता, दैट्स फॉर यू। अभी देखो, अकाउंट्स के मुताबिक पिछले 7 साल से आपको मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नुकसान हो रहा है। मैंने आपके स्पॉन्सर्स के अकाउंट्स मांगे हैं, अगर कुछ यहां वहां हुए तो आपके 7 साल के अकाउंट्स की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मिस्टर टिमगरे, क्यों आप इतनी तकलीफ कर रहे हैं? देखिए, गोखले साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके साथ ये सारे मैटर पर्सनली सेटल कर लूंगा ना। कौन गोखले साहब? आप ही के असिस्टेंट कमिश्नर। आप कहे तो अभी अभी फोन लगा दूं। हाँ जी, प्लीज। गोखले साहब, टाइनी कोचर, जी आप ही के डिपार्टमेंट का ऑफिसर हमारी इंक्वायरी कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जी हाँ, हाँ जी, श्योर, एक मिनट लीजिए, बात कीजिए। बोला सर, इमगिरी बोलते हैं। बोला, ठीक है, पर बोलिए गोखले साहब। लेकिन आप समझ, हेलो सुनिए, हेलो, हाँ
मिस्टर टिमग्रे, मैं जानती हूँ आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। आज शाम आपके घर 25 लाख रुपए पहुँच जाएंगे, तब तो आप केस बंद करेंगे ना? जी नहीं, अब मैं इंक्वायरी शुरू करूंगा, आपके अकाउंट्स लॉक होंगे, आप पर रेड होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जेल हो। क्या? मैं चलूं? असिस्टेंट कमिश्नर मेरा दोस्त है, क्या कहा मिस्टर गोखले ने? कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता, टिमगिरे किसी के बाप से नहीं डरता, उसका रिकॉर्ड इतना क्लीन है कि कमिश्नर भी उसे डरता है, और तुम चली थी उसे रिश्वत देने। वाह वाह, आउच, आउ, आउ, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कहने का चांस ही कहा दिया? चाली तुम तो बस मेरी कंटेस्टेंट्स के पीछे तुम हिलाते ही रहना, और कुछ तो तुमसे होगा भी नहीं। जान, एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, कासिम खान कयामत। कौन? कौन? कासिम खान कौन? गमे जिंदगी का बेहुदा मजाक, कासिम खान कौन? खुदा ने आपको कारोबार में इतनी बरकत से नवाजा है, और जब हम आपको फोन करते हैं कि कासिम खान को उसका हिस्सा पहुंचा दो, तो तुम पूछते हो कौन कासिम खान? बोलवे कासिम भाई, महाराज से बहुत बड़ी गलती हो गई, मरने को माफ कर दो, अगली बार किसने देखा है दोस्त, खुदा को हमारा सलाम दे। खुदा को? शेर अर्ज है, पूछते हो कयामत से, पूछते हो कयामत से कि कयामत कौन है, अब पूछो। वाह 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 वाह, ये किसका शेर है बुना? गालिब का? आपका ये भाई? क्या बात करते हो? हाँ, बड़ा खूबसूरत शेर है, क्यों गोश्त? हाँ भाई, लेकिन भाई ये गालिब कौन है? आपके अब्बा हुजूर, जरा इस कमरे को रोशनी से इनायत करेंगे? क्या भाई, एड़े लाइट जला, लाइट सत्या का सेट लग रहा है। हाँ। खुशामदीद टाइनी मियां, खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या करें टाइनी मियां, अब्दुल शेख से ज्यादा फिल्में हम फाइनेंस करते हैं, छोटी मिर्ची से ज्यादा कत्ल हमने किए हैं। सही है। पर देखो ना, ना किसी अखबार में हमारे चर्चे और ना किसी चैनल पर हमारे किस्से। हाँ। बैठिए। लेकिन मिस्टर कयामत, ये सब तो आपके लिए अच्छा है ना? खाक अच्छा है। खैर, हमारी छोड़िए, आप अपनी फरमाइए। मिस्टर कयामत, वो उस आदमी के बारे में बात की थी ना, वो टैक्स वाला टिमगिरे। हाँ, लाहौल विला कुवत, सरकारी मुलाजिम भी ईमानदारी पर उतर आए। अब देखिए ना टाइनी मियां, आप उस टिमगिरे को अपने जहन से निकाल दीजिए। हाँ, वो तो सब ठीक है मिस्टर कयामत, लेकिन इस काम की कीमत क्या होगी वो जरा? खुदा का खौफ हमें भी है। हाँ। इतने मामूली काम की कीमत, और फिर आप हमारे दोस्त भी हैं, हमारा गम समझते हैं, और हमारे गम की दवा सिर्फ आप ही के पास है। मेरे पास क्या मतलब है आपका मिस्टर कयामत? सारिका, सही नंबर लग गया। खबर मिली है कि आज रात मुजरिम अलमीरा कोचर की पार्टी में होगा। अलमीरा कोचर? उसे वहीं रंगे हाथ पकड़ लूंगा। तू अलमीरा कोचर के पार्टी में जा रहा है? वो भगवान उस लड़की का भला करे, तेरी जवानी लौट आई मेरे लाल। दोस्तों, 15 साल से मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट देश के सबसे खूबसूरत चेहरों से आपका परिचय कराता आया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने स्पॉन्सर्स का, मिस्टर चुनीलाल ऑफ चुनीलाल पान मसाला, मिस्टर ईरानी ऑफ खूबसूरत सोप्स, और मिस्टर दास ऑफ सुप्रीम फैशंस।
शिखर पर एक, सिर्फ एक चेहरे के लिए जगह है, कौन होगा वो? Who will be the next Miss Indian Beauty? Get ready, yeah. मैं जानती हूँ ये सपना है, बाहर कदम रखते ही आंखें खुलेगी और आई कहेगी, मेघा कॉलेज जाने का वक्त हो गया है. Ladies and gentlemen, I present to you this year's contestants. फैशन शो आप सबको पसंद आ रहा है. इस साल का स्पॉन्सरशिप का पैसा जरा तैयार रखिए. जरूर जरूर. एंजॉय योरसेल्फ्स. सी यू लेटर. क्या मैं आपको जानता हूँ? रिज डार्लिंग रिजवान, याद है तुम मेरे डिस्को आई थी? छोड़ो डार्लिंग, हम भी कोई याद रखने की चीज है, पर तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? जानती हो डिस्को में सबसे पहले मैंने ही तुम्हें देखा. मैंने अलमीरा से कहा, वो देखो अलमीरा, लड़की में कुछ स्पेशल बात है, ये लड़की तुम्हारे कॉन्टेस्ट में आग लगा देगी, और ये रही तुम. सच? तुमने? थैंक यू. मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मेरे लिए क्या किया है. ये सब मेरे लिए क्या है? तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं... में बुलेट. तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कौन दोस्त? परन. तुम्हारे पीछे खड़ा. हाय सारिका. हाय वरुण आर्या. मान गए रिस, तुम वरुण आर्या को हमारी पार्टी में ले आए. मैं नहीं, कोई और खींच लाया है. How charming. Oh, they are beautiful. Varun, darling, मैं तो भूल ही गई, कुछ बात करनी थी. मुझे कॉन्टेस्ट का जज बनने को कहा है. मैंने कह दिया, मुझे सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट नजर आती है. 3 हफ्ते बाकी है टाइनी. आई होप वरुण मान जाएगा, प्रेस में हंगामा हो जाएगा. हाँ. क्या हुआ टाइनी? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं. टाइनी मियां, मिस्टर कयामत. मेरी बीवी कागज, मेरी बीवी अलमीरा, और ये है मिस्टर कासिम खान कयामत. अलमीरा, वाह क्या हसीन नाम है. आपको देखकर एक शेर याद आ गया, शायद गालिब का है. एक तरफ अलमीरा, एक तरफ दुनिया सारी. एक तरफ अलमीरा, एक तरफ दुनिया सारी, खोल के बैठा हूँ मैं दिल की अलमारी. वाह 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 वाह. अरे ईरानी मियां, चेहरे का रंग कहाँ फाकता हो गया.
आपकी कस्टम की दिक्कतें तो कब की सुलझ गईं? मियां चुन्नी, यूनियन की समस्याएं दूर हो गईं तो यारों को भूल गए। हेलो, वो पार्टी में आना चाहता था, मना कर देता तो मुझे गोली मार देता। चाइनी, मेरी अपनी तकलीफें कम है कि मैं तुम्हारी सोचूं? अब सबके चेहरे देखे, यहाँ प्रेस है, रिपोर्टर्स है, फोटोग्राफर्स है, what the hell is he doing here? अरे इसीलिए तो पार्टी में आया हो, देखो तस्वीर सारे को फेमस बनने का कीड़ा है। मुझे ना उसके कीड़ों में दिलचस्पी है ना तुम्हारे, मुझे सिर्फ अपने मेहमानों में दिलचस्पी है जो उसे देखकर भाग जाएंगे। Oh, I'm sorry. मुझे जाना ही होगा। अब तुम्हारी पार्टी में इतने रंगीन लोग आए। I'm sure you want to miss me. Thank you so much. Bye. Bye-bye. See you. Thank you. देखा? मैं अब रुकिए। ए, यारो, ठीक है। कहीं और चले? तुम्हारा नंबर 5151769 ही है ना? हाँ। पर किसी आदमी ने कहा कि वहाँ कोई सारिका नहीं रहती? ओ वो हेड पागल पूरे एरिया के फोन लाइन चुरा कर बैठा है, दिन भर सबको इंसल्ट करते रहता है। क्या कोई कंप्लेन क्यों नहीं करता? अरे कितनी बार किया, पर ये टेलीफोन वाले है ना, छोड़ो पानी पूरी। पानी पूरी देना। हाँ जी। तीखा क्या लोगे, तीखा या मीठा? मीठा। अच्छा है ना? हाँ दो। अच्छा तुम्हारे साथ पार्टी में क्यों आए? तुमसे मिलने। क्यों? क्योंकि 7 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे एक दोस्त मिला है। अच्छा तो 7 साल से क्या कर रहे थे? काम और इंतजार, एक दोस्त का जिसे देखकर लगे कि सब कुछ ठीक है, अगर नहीं है तो हो जाएगा, कोई जिसके साथ बिल्डिंग की दीवार से उतरूं और पानी पूरी खाऊं। ये लीजिए। थैंक यू। तो 7 साल से तुमने पानी पूरी नहीं खाई? मैं नहीं मानती, इंडिया यंगेस्ट करोड़पति, देखने में भी ठीक ठाक हो। कोई नहीं, नो गर्लफ्रेंड, किसी पे दिल नहीं आया? बड़ी मुश्किल, ये मेरा दिल, ये दिल विल उफल्ला। Hey, ये मैंने कॉलेज में लिखी कविता है। Too cute. बाकी सुना। वरुण प्लीज। नो। वरुण, 7 साल के बाद तुम्हें एक दोस्त मिला है, दोस्त के लिए इतना भी नहीं करोगे? वरुण। कोई तो हो जिसके लिए जीना हो तो मरना पड़े, हो कोई तो हो जिसके लिए जीना हो तो मरना पड़े, अरे मरना हो तो तो हो जिसके लिए जीना हो तो मरना पड़े,
अरे मरना हो तो जीना पड़े। पिकअप नहीं कर सकते। मैं निकल चुका हूँ। वरुण, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बता, 35% के हिसाब से 11 लाख पर कितना टैक्स होता है? 3,80,000। बोल बोल, 3,80,000 अनी। क्या होगा तुम्हारा? उसको आई बाबा तो बोलने दो। बाबा। हाँ ये मेगा, तुझे अकाउंट सिखाता हूँ। बाबा मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह कॉलेज के लिए जल्दी उठना है ना। गुड नाइट। अरे इतनी जल्दी गुड नाइट? खाना नहीं खाना है? आई मैं शीतल के यहाँ खाना खा के आई। लो जाने दो लक्ष्मी, सोने दो उसे। हाँ। और बिगाड़ो, मुझे क्या है। हाय शीतल, कहाँ जा रही हो तुम? ए ए, अरे अरे, हाय हाय, ये है तुम्हारा घर? हाँ ये मेरा घर है, चलें।
कहाँ जा रहे हैं? It's a surprise. I've been waiting for you. Welcome, welcome, welcome. You must be Sarika, right? हाँ. Sarika, ये मेरे डैड. How are you? Come in, come in, come in. वरुण से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है. बैठो. तुम लोग शुरू करो, मैं एक सिगरेट पी के आता हूँ. डैड, come on. मैं जा रही हूँ. क्या हुआ बेटे? या तो आप अभी इसी वक्त प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी सिगरेट नहीं पियेंगे, या फिर मैं चली. Okay. Promise? Promise. सच? हाँ. Come on. खरा. Anyway, तो सारिका, तुम आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इंडिया से बाहर रही हो. इतना नहीं, बस कुछ वक्त. पर अच्छा है, तुम्हारे बात करने का अंदाज बिल्कुल इंडियन है. थोड़ा सा महाराष्ट्रियन एक्सेंट है, but no African, no American. वो क्या है ना, मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं, इसीलिए. वैसे अब वरुण के डैड कम, उसके दो ज्यादा लगते हो. और ये मेरा बेटा कम, बाप ज्यादा लगता है. 17 साल की उम्र से ही ये भागदौड़ कर रहा है. कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं लाइफ में कुछ होता ना, तो ये भी बाकी लड़कों जैसे मस्ती करता, जी सकता. मुझे तो कभी इतना सीरियस नहीं लगा. पहली बार मिला तो डिस्को में, दूसरी बार पार्टी में. काम कब करता है? ओए, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना. छोटे से गराज से उसने ये कंपनी शुरू की. हफ्तों तक मैं इसका चेहरा नहीं देखता था, न खाता था, न सोता था. डैड, बस कीजिए. चल चल, दाल गरम कर. व्हाट? देखा, खाना मैं पकाऊं, मैं परोसूं, और तेरे को दाल गरम करने में तकलीफ हो रही है. डैड, चिल आउट, लाता हूं. बिल्कुल अपनी मां पर गया. वो भी मुझसे ऐसे ही चिढ़ती थी. क्यों? उसे भी झूठ से सख्त नफरत. और वरुण दो कदम आगे है, मजाक से भी चिढ़ता है. देखो, मैंने जिंदगी देखी है, मैं जानता हूं कि हर झूठ के पीछे धोखा नहीं होता. कभी शरारत होती है, कभी मजबूरी होती है, पर वो ये सब नहीं सोचता. दाल इज हियर. सारे का सम दाल? डैड, डरो मत, मैंने तो सिर्फ गर्म की है, बनाई नहीं. क्या हुआ? देर हो रही है, घर जाना है, कल सुबह जल्दी उठना है ना. तो मैं तुम्हें छोड़ा था. नो थैंक यू वरुण, मैं चली जाऊंगी. गुड नाइट अंकल. सारिका, सारिका, सारिका. सारिका वेट, सारिका. हे, क्या हुआ? कुछ नहीं वरुण, मुझे बस घर जाना है. तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. नहीं वरुण, बाय. चलिए चलिए. सारिका, 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 सारिका. जानता हूं ये किसका काम है.
कहने का लक्ष्मी, तू घबरा ना कुछ, मैं हूं ना। हेलो, तो सारिका प्लीज। रॉन्ग नंबर, बार बार ये बेवकूफ किसी सारिका के लिए फोन कर रहा है। लक्ष्मी, चाय और पेपर लाना। हाँ वही ला रही हूँ, ये रही आपकी चाय और ये रहा आपका पेपर, ये देवा। ठीक है ठीक है। देवा काय होणार रे, देव जाने। हेलो। हाँ अबे ये टिमगी रे, टाणा खजूर साला, ये अलमीरा का केस बंद कर वरना मैं तेरी खोल डालूंगा। क्या ये अलकट, तू मेरे हाथ में तो आ, चल फोन उठा डरपोक। क्या आईला बोल कुत्रिया। हेलो, मे आई स्पीक टू सारिका प्लीज? अरे सारिका तू, तेरा बाप सारिका, तेरी मां सारिका, हरामखोर। देखिए आप प्लीज दूसरों के फोन मत उठाइए। तू दूसरों का फोन मेरे घर पे लगाएगा तो क्या करूं, ढूंढने जाओ तेरी सारिका को, रास्ते पे खड़े रहकर चिल्लाऊ इडियट। हलगट। कौन है ये गधा, हाथ धो के किसी सारिका के पीछे पड़ा है? बाबा फोन देना प्लीज। क्या ये सारिका का क्या है? मुझे क्या मालूम। का गया लक्ष्मी, उसे क्या पता। हेलो। हाय सारिका, मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने बस अभी। मुझे फोन मत करना। क्या? मुझे कभी फोन मत करना। क्यों, बात क्या है सारिका? बात कुछ नहीं है वरुण, फिलहाल मुझे अपने कॉन्टेस्ट पे ध्यान देना है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। एक बात तो सुनो सारिका। सारिका डैमिट, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मिलती नहीं, कुछ कहती नहीं, अवॉइड कर रही है। चलो शायद यही बेहतर है, बाद में दर्द हो इससे अच्छा है कि अभी। मुझे अभी दर्द हो रहा है डैड, डैड मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। तो अब पता नहीं अब मैं क्या करूं। अरे प्यार मुझसे पूछ के किया था, 17 साल की उम्र में दुनिया जीतने निकला था, एक लड़की का दिल नहीं जीत सकता। अरे तू नहीं तो कहा था कुछ करने को बचा नहीं, ले जिंदगी ने तेरे सामने एक और चैलेंज रख दिया। जान जान मेरी बात समझने की कोशिश करो। सर्टेनली नॉट। तुम क्या समझते हो कि मैं इस गुंडे के लिए पार्टी अरेंज करूंगी? लेकिन तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अरे जान मेरी बात तो डार्लिंग। जान हाँ, तो मिस्टर टिमगिरे, क्या हाल है आपका? आपकी कुछ तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही है, कुछ कष्ट है क्या? कष्ट कष्ट हलकट, अरे रामखोर, मेरे घर का काट जोड़ेगा तू? नहीं अरे माय ग्लासेस, अरे क्या कर रहा है? अरे नहीं, अरे मेरे ग्लासेस। एक भी पत्थर मेरे बच्चों के आसपास आया ना तो लाइफ में तुझे कभी बच्चे नहीं होंगे। मेलिया मेलिया, कुर्बान, ऐसी बहादुरी पे कासिम खान कुर्बान। कासिम भाई, आपने तो जबान दी थी टिमगिरे दोबारा हमें तंग नहीं करेगा। बेशक कासिम खान की जबान कासिम खान की बंदूक से निकली गोली है। मिस्टर कयामत, तुम्हारा कहां से क्या निकलता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इनकम टैक्स रेड आएगी तो मेरा कॉन्टेस्ट रुक जाएगा। हुजूर, आप कल हमारे जश्न में हाजिर रहिए, आप आएंगी तो सारा शहर आएगा,
क्यों मियां टाइनी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे पार्टी में आओगी डार्लिंग तो वो ठीक है मिस्टर कयामत, कल शाम मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी और साथ में कुछ सेलिब्रिटीज भी ले आऊंगी। लेकिन उसके बाद टिमग्रे मेरे ऑफिस के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। दादी मिया जी, अरे मेरे ग्लासेस। क्या भाई, आपको अपने बुना और गोश्त पे भरोसा नहीं है क्या? आप खाली आवाज तो करो, अब भी टीम गिरे को ऊपर पार्सल कर देते हैं। एक शेर अर्ज है बुना, शायद गालिब का है। जब तक मिलते हैं सोने के अंडे, जब तक मिलते हैं सोने के अंडे, जीने दो मुर्गी को एक और संडे। वाह वाह। अलमीरा कासिम खान का नाम मशहूर कर सकती है, करने दो। फिर हमारी पिस्तौल है और टिम गिरे का सर। ओ मिस्टर दास, हाउ आर यू? अरे मिस्टर ईरानी, आप यहाँ कैसे? जब अलमीरा ने पर्सनल इनविटेशन दिया तो कैसे इनकार करें? क्या कयामत भाई को गोली मारेंगे वो अलग से? चिकना बिकना बन गया दास, ठीक इधर कल्टी। ए पप्पू, ये सब चिकना लोग के साथ कासिम भाई का फोटो लेने का मस्त, और एक अपना फेमस लोग बाप सबको टीवी पे देखला। अरे इसमें क्या है, आप उन भी आए थे ना टीवी पे? उसे तो मैंने इंडियाज मोस्ट वांटेड में देखा है। आज डॉन की पार्टी में आपने शो करिए छे। चुप बात कर, चुप से। क्या जनाब, महफिल पसंद आई? बहुत। टाइनी मिया, आई जस्ट वांट टू गो होम। क्या महफिल है, वाह सुभान अल्लाह। आम तौर पर पार्टीज में कितना शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ कितनी खामोशी। सच, पार्टीज तो ऐसी ही होनी चाहिए। वरुण। हेलो मिसेस कोचर। तुम यहाँ? आपने पूछा था क्या मैं मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जज बनूंगा, जवाब है यस। सच? ओह दैट्स वंडरफुल वरुण। मिस्टर कयामत, वरुण आर्या। हेलो। हेलो, नाइस मीटिंग यू। आइडिया अच्छा है, पहले पता होता तो मैं भी फैंसी ड्रेस पहन के आता। वरुण भाई, वैसे आपकी कंटेस्टेंट्स कहाँ है? ओह ओवर देयर, बस गुड निकल। जस्ट कमिंग। उसने कहा ना कि तुम क्यूट हो। मैं क्या, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड भाई, मैं क्या करूं? आई कांट बिलीव इट। हाय वरुण, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, और अब मैं इस कॉन्टेस्ट का जज हूं। क्या? जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, सिंपल। वरुण तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। पर क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? डैड ने कुछ गलत कहा? वरुण प्लीज, तुम कुछ नहीं जानते। मैं वरुण, बस मुझे अकेला छोड़ दो बस। हाय सारिका, तुम हर बार पिछली बार से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा एक बात बताओ, हम यूं ही पार्टीज में मिलते रहेंगे? Let's go for lunch sometime. कयामत की शाम है, कयामत की महफिल है, कयामत का खेल होना चाहिए। कौन शुरू करेगा? ये ठीक है, हम पहल करते हैं। एक, दो। बचिए। अब कौन आएगा?
जनी मियां जी, गबर गबर खेलोगे? वरुण मियां, आप अपनी किस्मत आजमाना चाहोगे? क्यों नहीं। लव नहीं तो लाइफ नहीं। किस्मत को एक और मौका देते हैं। यू सिली बॉय। तुम कितने बहादुर हो। लव नहीं तो लाइफ नहीं। वरुण तो बच गया, मेरे हार्ट में बुलेट लग गई। वांट अ डांस? एक शेर अर्ज है, शायद गालिब का है। जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया, और जो नहीं डरा समझो एक दिन पहले मरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसीलिए कहता हूं मियां, जीले जीले जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे। जीले जीले जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे। बेशक दो दिन कम जी लेना, मार के सारे गम जी लेना। जीले जीले दिल के टुकड़े सीले। जीले जीले जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे। बेशक दो दिन कम जी लेना, मार के सारे गम जी लेना। जीले जीले दिल के टुकड़े सीले। जीले जीले जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे। क्या पता है कल ये दर्द किसकी जान ले, एक बार और दिल का इम्तिहान ले। क्या पता है कल ये दर्द किसकी जान ले, एक बार और दिल का इम्तिहान ले। होती है दो पल की रातें सभी, छोटी है कल वल की बातें सभी। जीले जीले दिल के टुकड़े सीले। जीले जीले जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे। सुन खरी सी बात है, खनकती रात की चांदनी चुरा के चल चमकती रात की। सुन खरी सी बात है, खनकती रात की चांदनी चुरा के चल चमकती रात की। खुल जाए खुल जाएगी चांदनी, मिलती है जीने को जो शाम भी। जीले ले ले जीले दिल के टुकड़े सीले। जीले जीले हे जीने रे, दिल के टुकड़े सीने रे। जीले जीले जीने दे, जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे, सीने दे। बेशक दो दिन कम जी लेना, मार के सारे गम जी लेना। जीले जीले दिल के टुकड़े सीले। जीले जीले जीने दे, दिल के टुकड़े सीने दे।
ड्रिंक। मैं नहीं पीता। अरे कम ऑन यार, दो स्कॉच। सच बता डार्लिंग, तेरे और ये सारिका के बीच में कुछ है क्या? क्यों? वरुण तू मेरा दोस्त है, ये सारिका कौन है, क्या चीज है? प्लीज रिलैक्स। तू रिलैक्स कर, जिसके पीछे तू इतना लट्टू हो रहा है ना, वो कुछ नहीं है, अलमीरा ने उसे बनाया है। अरे हमारी तो शर्त लगी थी, सारिका की चांदी हो गई। कैसी शर्त? अलमीरा ने कहा वो किसी को भी उठा के मॉडल बना सकती है। इस लड़की में ना स्टाइल था, ना ड्रेस सेंस, कुछ नहीं। मैंने कहा इसे मॉडल बना के दिखाओ, एंड शी डिड इट। अलमीरा ने कर दिखाया। यू क्या समझते हो तुम? किसी के साथ भी खेल सकते हो? लोगों की जिंदगी को गेम बना रखा है। वरुण, स्टॉप दिस। क्या है ये सब? अरे बोलना डार्लिंग, बता ना इसे क्या है ये सब। वाह मेरे शेर वाह, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तेरी काली आंख देखे कितनी खुश होती। डैड प्लीज। सॉरी यार, सॉरी। लेकिन तुमने सारिका को शर्त के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या कहता कि तुम्हारा सपना झूठ है, किसी की शर्त का नतीजा है? उस रिजवान को तो मैं, अरे छोड़ो यार। डैड मैं सच कहता हूँ, अगर सारिका को कुछ हो गया ना तो मैं उन सबको। हाय वरुण। हेलो अंकल। तुम दोनों फिर झगड़ा करना चाहते हो तो मैं अंदर जा सकता हूं। सॉरी डार्लिंग, पता नहीं मैं क्यों इतनी पीता हूं। उस रात डिस्को में भी बहुत ज्यादा हो गई थी, उस अलमीरा की बातों में आके मैंने शर्त लगा ली। अब मुझे क्या पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। और जब सारिका को पता चलेगा तब? डार्लिंग मेरी बेवकूफी की वजह से उसका दिल क्यों दुखाना है? हो जाने दे कॉन्टेस्ट, अगर उसमें बात है तो वो जीतेगी। बहुत प्यार करता है तू उससे? हार्ट में बुलेट। अब क्या करेंगे? अच्छा था ना? हाय सारिका। क्रिस प्लीज कुछ मत कहो, मुझे ना तुमसे बात करनी है ना वरुण से, मुझे बस इस कॉन्टेस्ट पे ध्यान देना है। हेलो, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलमीरा ने कहा है वो तुम्हारे साथ रिहर्सल करना चाहती है, यहाँ से सीधा उसके ऑफिस चली जाओ। अभी? हाँ, और अगर ऑफिस बंद हुआ तो टेरेस पे चली जाना, ओके? सारिका, तुमसे मेरे जीवन में रोशनी है, हमेशा तुम्हारा वरुण।
कहते कहते रुक जाती है ना जाने क्यों, दोनों आंखें झुक जाती है ना जाने क्यों। लौट नहीं आया। इस साल का शो सुपर हिट है। आप सब स्पॉन्सर्स की चांदी ही चांदी है। स्पॉन्सर से याद आया, मिसेस दास, आपका चेक अभी तक नहीं आया। हाँ, वो इस साल थोड़ा प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी टीम गिरे का फोन आया था। तुम्हारे अकाउंट की वजह से मुझ पर इंक्वायरी आ रही है। मिसेस दास, जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी, नथिंग एल्स। आईटी से कॉल तो मुझे भी आया था। क्या बात करता है। हाँ, वो मेरे 7 साल के स्पॉन्सरशिप का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। ये सब लफड़ा है। वो करोड़ रुपए का पेमेंट है ना, वो ब्लैक में करता है हम।
टाइनी, एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी? हाँ, दस इधर क्या करे? मैं पैसे टाइनी, हम कासिम की पार्टी में क्यों गए थे? अरे वो मुझे गोली मार देने वाला था ना। अगर मुझे टिमगरे का नाम एक बार और सुनाई दिया ना, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और तुम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ मारूंगी। ओके एवरीवन, मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज से कोई भी टिमगरे का नाम नहीं सुनेगा। इसके बावजूद भी अगर आप अपने पैसे वापस ले जाना चाहते हैं तो थैंक यू। ऑलराइट देन। लेकिन सोच लो, मेरे पास एक ऐसा हीरा है, एक ऐसा सितारा जो आपके प्रोडक्ट्स की किस्मत बदल सकता है। वो कैसे? आपके प्रोडक्ट्स को कौन खरीदता है? खरीदार, मिडिल क्लास। मेरे पास एक ऐसा चेहरा है जो मिडिल क्लास का दिल जीत सकता है। सरीका, पहले मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन सारिका के चेहरे पे इतनी मासूमियत है, इतनी सच्चाई है कि वो जो कहेगी लोग सुनेंगे, वो जो बेचेगी लोग खरीदेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली के साथ सब क्लियर हो गया है ना? बाद में बोले कि मुझे पढ़ने का है, फैमिली बनाने का है। मिस्टर चुनीलाल, सारिका ने खुद अपनी मर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब सारिका की 5 साल के लिए जिंदगी सिर्फ मेरी है। मैं क्या करूं? सच कहूं या 2 दिन रुक जाऊं? मैं क्या करूं? जब तुम माखन चुराते थे तो खुद बताते थे या पकड़े जाते थे? आई, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ये तेरे बस की बात नहीं है बेटी। मेघा, क्या हुआ मेघा? ए चले मोहन, क्लास का टाइम हो गया ना। ए चल छोड़ ना। बड़ा आया, बड़ा रूमियो समझता है अपने आप को। मैं उससे प्यार करती हूँ शीतल, और वो मेरा नाम भी नहीं जानता। तेरे घर को मेरा घर समझता है, मेरे पापा को पागल समझता है। मेघा सुन, देख जो होना था हो गया, अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे? अंदर आओ मिस्टर आर्या, प्लीज। उसके पापा को भी शक है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब वो वरुण को बताएंगे तब क्या? मेघा, उन्हें बताना होता तो कब का बता देते। और आए बाबा, जब पेपर में मेरे फोटो आएंगे, टीवी पे कॉन्टेस्ट आएगा, क्या कहूंगी उनसे? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न वरुण से न बाबा से। सही वक्त पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मिस्टर आर्या, 25 इयर्स के करियर में मैंने ऐसे परफेक्ट अकाउंट्स नहीं देखे। एक एक पैसे का हिसाब है। काश सारे टैक्स पेयर्स तुम्हारी तरह होते। थैंक यू, चाय लीजिए। वाह, व्हाइट की चाय पीने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है। यस सिलिया। सर, सारिका का फोन आया था, फोन करने के लिए कहा है। ओके। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर लूं? प्लीज प्लीज। हेलो, सारिका घर पे है? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? वरुण के पास। उफ, ओ नहीं, मैं उसे और झूठ नहीं बोल सकती। मेघा बचपन से झूठ बोल रही है, और 2 दिन अपनी अंतरात्मा को चुप नहीं रख सकती। 2 दिन बाद तेरा कॉन्टेस्ट है, वरुण जज है। अभी उसे सच बता दिया तो 2 दिन के लिए कॉन्टेस्ट तक सारिका को जिंदा रहना ही होगा। पर सारिका एक झूठ है। जानती हूँ, पर सारिका ही तेरे सपने को सच कर सकती है। देखिए मैडम, मैं जानता हूँ नंबर यही है, आप प्लीज। हेलो हेलो,
हेलो कट ने अभी फोन किया था ना हाँ मेरे हाथ में आ गया है नहीं नहीं, नहीं मैं झगड़ा नहीं करूंगा लक्ष्मी 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 ओके बाय बाय लक्ष्मी बाय कोई प्रॉब्लम है हाँ है ना प्रॉब्लम तू ही प्रॉब्लम है गाढ़वा पागल कहीं का ये अचानक क्या हो गया आपको मैं भी सोचूं आज की तारीख में पूरा टैक्स भरने वाला कोई पागल ही हो सकता है आप बताएंगे बात क्या है या मैं आपको बाहर निकाल दूं सारिका सारिका से बात करेगा मेलिया कितनी बार बोला कुत्रिया कोई सारिका यहाँ नहीं रहती और आप हैं वो सारिका के पागल पड़ोसी शर्म नहीं आती आपको इस उम्र में लोगों के टेलीफोन की बातें सुनते हुए मेरे टेलीफोन की बातें मैं नहीं तो क्या तेरा बाप आके सुनेगा मैंने कहा था सारिका से कि पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए तेरी सारिका एक बार मेरे हाथ में तो आ जाए फोन के वायर से उसका गला घोट दूंगा तू ठीक कह रही है शीतल दो दिन की तो बात है उसके बाद मैं अपने हाथों से सारिका का गला घोट दूंगी देखना इस स्टोरी की बहुत हैप्पी एंडिंग होगी आई प्रॉमिस यू करूंगा मैं करूंगा मैं देखता हूं तो कैसे करेगा मैं सारिका को फोन करूंगा आप जाइए देखता हूं तो कैसे आप जाइए निकल जाइए यहां से यह आदमी पागल है इसे बाहर निकालो ए हाथ तो लगा के देख ढापने आ अच्छा मैं जा रहा हूं आइंदा मेरे घर फोन किया तो अच्छा नहीं होगा अगर आप सारिका का फोन उठाएंगे तो अच्छा नहीं होगा साइको साइको बोला हाँ बोला साइको बोला यू 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 डबल साइको यू 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 ट्रिपल साइको वाए हमारी महफिल में खुदा की कुदरत है वो आए हमारी महफिल में खुदा की कुदरत है वाह क्या कुदरत है वाह वाह क्या कुदरत है वाह 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 सिर्फ मुशायरा ही क्यों मुजरा भी साथ कीजिए ना और कुछ तो कर ही नहीं सकते आपने कुछ अर्ज किया मैंने सिर्फ अर्ज नहीं किया तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया तुम्हारी पार्टी में मैं भी एक डॉन की पार्टी में मैं अलमीरा कोचर आई कहते हो कि तुम्हें कोई पहचानता नहीं जिंदगी में एक भी काम ढंग से किया तुमने जात का पैदा मारू ए, कयामत के सामने किसी ने आज तक इतनी बड़ी बात नहीं कही अरे छोड़ो एक 4.5 फुट के मामूली आदमी को उठा नहीं सकते लुखिया मिस्टर कयामत अगर मेरा कॉन्टेस्ट रुक गया ना तो मुझे करोड़ों का नुकसान होगा तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया अगर और कुछ भी चाहिए अब भी कह दो मैं देने को तैयार हूं ठीक है मुझे आपके कॉन्टेस्ट में जज बनना क्या? क्या जज जज मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जज टीवी पर अखबारों में जहां भी आपके कॉन्टेस्ट के चर्चे होंगे कासिम खान के चर्चे साथ होंगे और जब सारिका जीतेगी तब हम अपने हाथों से उसे ताज पहनाएंगे मुझे मंजूर है तुम टिमकरे को उठा लो मैं तुम्हें जज बना दूंगी मैं बिम्बो सिटी डिस्को में तुम्हारा इंतजार करूंगी खाना हाँ मामी वक्त हाँ बोलो कैसे मिजाज हैं मियां टिमगिरे कैसे क्या है मिजाज तबीयत आपकी तबीयत कैसी है थोड़ा गैस है बस बाकी ठीक है आप कौन
हमारा नाम है कासिम खान कयामत। कौन कासिम खान? आपको बहुत जल्द इल्म हो जाएगा कि कासिम खान कौन। आपके जितने कांच टूटे, जितने पत्थर आपके घर में तशरीफ लाए, फोन पर जितनी गालियां आपने सुनी, मैं तहे दिल से उसके लिए माफी चाहता हूं। हाँ, माफ किया, अभी हमें माफ करो। ए शाने, ए बुना, एक शेर अर्ज है, शायद गालिब का है आधा। वो कहते हैं हमसे कि माफ करो बाबा, भिखारी समझ रखा है क्या? वाह 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 वाह, लाइफ में इतना घटिया शेर नहीं सुना। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? मिस्टर टिमगिरे, आप समझदार आदमी हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। लोग दिन रात मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमाते हैं और आप चाहते हैं एक रोटी आपको दे दें। देखिए, हम खाना खा रहे हैं, चाहो तो मैं आपको दो रोटी देता हूँ, पर अभी जाओ बाबा, आपकी दावत कहीं और है। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो इन्हें। देखिए, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हम भी तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं टिमगिरे मियां। एक शेर अर्ज है। एक भी शेर कहा तो अच्छा नहीं होगा। बंदूक नीचे, नीचे करो बंदूक। ए मेरे बाबा को छोड़ दे, वरना तुम्हारे बॉस को काट दूंगी। हाँ, बच्चों के हाथों में कैसे कैसे खिलौने दे रखे हैं आपने। लाहौल बिल। मैं कहती हूँ चुपचाप हमारे घर से निकल जाओ, वरना वरना अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड मेगा, तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगी। अब बोलो मिस्टर कयामत, हो गई ना बोलती पर। ए पुना, चलो। लेकिन भाई वो, चलो बोला ना, चलो चल चल। क्या बात है, क्या बात है मेरी शेरनी डॉटर मेघा। सच बताओ रिस, उस रात तुम वरुण के साथ लड़े क्यों? कसूर मेरा था। समझ नहीं पाया कि कौन क्या है। ओह कम ऑन स्वीटी, वो मेरे साथ डांस कर रहा था इसलिए तुम जल गए ना। कम ऑन, लेट्स गो फॉर अ डांस, नोबडी डांसेस लाइक यू। हे, एक लड़की को अकेले डांस करने दोगे? कम ऑन। लगता है कोई और तुम्हें नचाने के मूड में है। अलमीरा कोचर। हेलो, मिस्टर कयामत। हेलो, क्या कर रहे हैं? मिस्टर कयामत, प्लीज टेक इट इजी मैन। आर यू ऑलराइट? यू ब्लडी गुंडा, तूने मुझे अलमीरा कोचर को हाथ लगाया? कोचर गया कीचड़ में, येड़ा समझ ली क्या मेरे को? तेरी गेम बजा डालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आठ में बुलेट, आपकी उर्दू कुछ फिसल रही है। मुझे बोलती है टिमगिरे को उठा लो, मैं भी येड़ा ना चला हाथ में घोड़ा लेके, और वो टिमगिरे साला इसकी फेवरेट कंटेस्टेंट का बाप निकला। क्या क्या, व्हाट नॉनसेंस, सारिका मिस्टर टिमगिरे की बेटी? अरे कोई इसको अकल बांटो यार, उसका नाम सारिका नहीं है समझी, वो मेघा है, मेघा टिमगिरे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अलमीरा कोचर कहती हूँ कि वो सारिका है। अभी मैं इसको थप्पड़ मारने वाला हूँ, मैं अभी उसके घर से तशरीफ ला रहा हूँ। तेरी सारिका ने मेरे कासिम खान कयामत के गले पर चाकू रखा। साला मेरे को फेमस बनने का इतना कीड़ा नहीं होता तो सबको गोली मार देता, तेरे को भी। ए चिकने, तू मेरे पास रह। मैं जिसे भी चाहूं बना सकती हूं ऐसे। हार्ट में बुलेट, मान गए उसे। तुम्हारे कॉन्टेस्ट के बहाने वो वरुण से मिलती रही, इंडिया का यंगेस्ट करोड़पति उसके पीछे पागल हो गया, और अब तुम उसे अपने कॉन्टेस्ट से निकाल दोगी और वो तुम्हारे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद। उसने तुम्हारे साथ खेला अलमीरा, और तुम कुछ नहीं कर सकती। वरुण के सामने तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। तुमने मुझे सारिका की तकदीर बनाते हुए देखा है,
अब देखना मैं मेघा टिमगरे की जिंदगी पर बात कैसे करती हूँ। 1, 2, 3 and 4 Very good, sorry, very good. 3 and 4 जान, जान वो दास, दास भाग गया। कौन भाग गया? दास, सुप्रीम फैशंस का मालिक, तुम्हारा स्पॉन्सर और मिस इंडियन ब्यूटी पेजेंट का जज, वही दास भाग गया। 50 लाख रुपए का चेक जो उसने हमें दिया था ना, बाउंस हो गया। क्या? क्यों? आज सुबह उसके ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हुई है, सारे अकाउंट्स उसके सील कर दिए गए हैं। मेरी बात मानो, ये सब टीम गेरे का किया धारा है। और भेजो कासिम खान को उसके घर बंदूक दिखाने के लिए। देख लिया ना बंदूक उसने कहा? डोंट वरी टाइनी, कॉन्टेस्ट का जज बनने के लिए शहर के आधे करोड़पति चुटकी बजाते हुए तैयार हो जाएंगे। आहा, कितने आराम से तुम ये बात कर रही हो। बेगा, ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली है और उसका बाप टिमगरे जो है ना, वो तुम्हें जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है। मेरी बात मानो, हम टिमगरे को उसकी बेटी का राज बता देते हैं। वो पागल मनुष्य आदमी उसकी बेटी को इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेने देगा, और अगर वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे तुम्हें 25 लाख रुपया हर्जाना देना पड़ जाएगा। शट अप टाइनी, शट अप। 25 लाख वरुण के लिए कुछ भी नहीं है, वो चेक तुम्हारी मुंह पे फेंक देगा। और टिमगरे, टिमगरे हमारा करोड़ों का नुकसान कर सकता है। सरिका के लिए कुछ स्पेशल करना होगा मुझे। साथ वो स्टेयरकेस पे जो है वो रेड कारपेट बिछा देना और दोनों तरफ लैंप्स रख देना, ठीक है? रिहर्सल्स हो गई? चल रही है। ये इनविटेशंस मिस्टर ईरानी को पहुंचा दो। यस मैम। वरुण, सारिका से मिलने आए हो? हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझे सारिका के बारे में सच क्यों नहीं बताया? देखिए मिसेस कोचर, सारिका और मेरे बीच जो कुछ भी है मेरी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ? ये जानते हुए भी कि सारिका मेरी कॉन्टेस्टेंट है और मेरा सब कुछ इस कॉन्टेस्ट में लगा हुआ है? तुम, तुम्हारा कॉन्टेस्ट, तुम्हारा पैसा, और इसके अलावा तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। एक छोटी सी शर्त के लिए तुम सारिका की जिंदगी से खेल रही हो। ठीक है, मैंने रिस्क से शर्त लगाई थी तो क्या हुआ, लेकिन सारिका को यहाँ तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। वरुण, तुमने क्या किया? हाँ, इतना बड़ा झूठ सिर्फ इसलिए कि तुम सारिका को चाहते हो? कैसा झूठ? तुमने ही मुझे सारिका से मिलवाया। इस अलमीरा कोचर मीट सारिका। तो तुम्हें क्या लगा कि मुझे असलियत का पता नहीं चलेगा? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं वरुण। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कह दिया? तुम भी नहीं जानते वरुण। मैं क्या नहीं जानता वरुण? वो सारिका नहीं है। You will see my confidence. नहीं, आता करूं दाखो। No, not now. Practice time. अरे आता करूं दाखो ना। Okay, you do, then I'll. अरे तुम सारिका नहीं हो वरुण। मैं आज झूठ मत कहना, मैं सह नहीं पाऊंगा। नहीं वरुण, मैं सारिका नहीं हूं। तुम वरुण, जो कहना चाहते हो कहो। क्या कहूं, किससे कहूं? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो, बस मैं सारिका नहीं, मेरा नाम मेघा है। तो क्या कुछ नहीं बदला वरुण? कुछ नहीं। मैं जिससे प्यार करता हूं वो सारिका एक झूठ है। कुछ नहीं बदला, जो मेरी जिंदगी है वो सारिका कोई नहीं, कभी थी नहीं। वरुण, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, बस इस कॉन्टेस्ट का खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कॉन्टेस्ट? ये कॉन्टेस्ट जिसमें तुम सिर्फ एक, जानती हो ये कॉन्टेस्ट क्या है? तुम यहां क्यों हो वरुण? ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए सब कुछ है,
मेरा सपना, मेरी जिंदगी, मेरी ख्वाहिश, सब कुछ। और मैं, ये कॉन्टेस्ट मुझसे भी जरूरी है? नहीं वरुण। तो चलो मेरे साथ, छोड़ दो इस कॉन्टेस्ट को, इस झूठ को छोड़कर मेरे साथ चलो मेघा। वरुण बस कल शाम तक इंतजार कर लो ना। किसका इंतजार? तुम्हारे मिस इंडियन ब्यूटी बनने का? तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। काश ये काफी होता, पर ये तुम्हारा फैसला है। दिस इज योर चॉइस। गुड बाय मेघा। क्या हुआ, वरुण से झगड़ा हो गया? नहीं मैम, वो उसे पता चल गया कि कौन हो तुम, क्या हो तुम? मैम मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन सारिका, क्या हो तुम? एक मिडिल क्लास लड़की जो हर मिडिल क्लास लड़की की तरह नाम और शोहरत का सपना देखती है, लेकिन तुम्हारा सपना औरों की तरह एक सपना ही रह जाता। मेरी रिश्ते शर्त लगी हुई थी कि तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दूं। तुम्हारा सब कुछ मेरा दिया हुआ है, सब कुछ। मैं जब चाहूं उसे वापस ले सकती हूं, समझी? ये रूप, ये कॉन्टेस्ट और तुम्हारा वरुण, मेघा टिमगरे। सबसे झूठ का, मैं बुरी हूं। मैं जानती हूं कि तुम मेरी सूरत पे नहीं देखना चाहती हो। आई बाबा, आई एम सॉरी। बस बहुत हो गया। तू मुझे एक बार भी बता नहीं सकती थी अपनी मां को? मेघा, तुझे क्या लगा मैं तुझे समझ नहीं पाती? चल बेड़ी कुटली, चुप चुप, अब रोना बंद, रोना बंद। बाबा, बाबा, I'm sorry. कुछ तो बोलो ना बाबा। मैं क्या बोलूं, मैं अंधा था, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। बाबा ऐसे मत बोलो। मुझे लगता था प्यार और विश्वास से परिवार बंधा रहता है, यही सच्ची दौलत है, और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। आज मुझे पता चला इतना काफी नहीं है, मैं हार गया रे। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, प्लीज। उन्हें अकेला छोड़ दो, कल तक वो ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी, कल तक सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये वरुण का क्या नाटक है? Thank you.
तुम ठीक से नहीं पी रहे हो, पहले कश लो फिर अंदर सांस लो। लोग सिगरेट पीते क्यों हैं? लोग प्यार क्यों करते हैं? जान जाती है पर मजा आता है। देखो बेटे, उसने तुम्हें धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोला, शरारती है बस। और जब उसे एहसास हुआ उसने तुमसे दूर जाने की कोशिश की, तुम ही तो उसके पीछे भागे। तुम ठीक कह रहे हो डैड, मैं ही उसके पीछे गया। अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। कौन सी जिंदगी? जो जिंदगी तुम पहले जी रहे थे या वो जिंदगी जो उसके प्यार ने तुम्हें दी? मैं उससे प्यार नहीं करता। चलो अच्छा है, तुम झूठ बोलना तो सीख गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर टिमग्रे, ये आपकी श्रीमती जी है। नमस्ते। देखिए यह हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं, सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमारी मेघा कंटेस्ट में भाग नहीं लेगी। मेघा? कौन मेघा? सॉरी, सारिका। हम सब तो उसे सारिका के नाम से पहचानते हैं। मेरा बस चलता तो आज ही इसे कॉन्टेस्ट से निकालकर बाहर फेंक देती, लेकिन क्या करूं, कॉन्टेस्ट तो आज शाम को है, अब कुछ बदलना नामुमकिन है। सारिका को, सॉरी, मेघा को आना ही होगा। वो नहीं आएगी। मिस्टर टिमग्रे, आपको कागजात पढ़ने का बहुत शौक है ना? ये देख लीजिए। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपकी बेटी ने साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट मेघा ने नहीं, सारिका ने साइन किया था। गुड डे मिसेस कोचर, गजलक्ष्मी। अरे एक्सक्यूज मी मिस्टर टिमग्रे, जरा ये दस्तखत देख लीजिए, आपकी बेटी आपसे भी ज्यादा स्टुपिड निकली। बात क्या है? मैं आपको एक और मौका देती हूं, आप ये इंक्वायरी बंद कर दो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूंगी। कभी नहीं, मेघा तुम्हारे कॉन्टेस्ट में आएगी, जरूर आएगी और जीतेगी भी। चलो। बात क्या है? खाना चलो। अरे लेकिन टाइनी, कासिम खान को फोन कर दो। क्या बात है, बताओ तो सही, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? कहीं नहीं गलक्ष्मी, अगर मेघा कॉन्टेस्ट तक नहीं पहुंची तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे विजू, अरे राजा तू बाहर क्या कर रहा है? विजू दीदी। हाँ, क्या कहा तूने? सुना लक्ष्मी, विजू बात कर रहा है, विजू बात कर रहा है। बोल 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 मेरे राजा, बोल बोल बोल। हाँ बोल। हाँ दीदी, दीदी को बड़े बड़े गुंडे उठा कर ले गए। क्या, मेघा को गुंडे उठा कर ले गए? अरे देवा, क्या यार, हाथ में बुलेट, चैन से नहाने मिली देते। हेलो, कासिम ने मेघा को किडनैप कर लिया है। व्हाट? अलवीरा उसे कॉन्टेस्ट में पहुंचने से रोकना चाहती है। क्या तुम कासिम के अड्डे का पता जानते हो? ओह शिट। नहीं यार। अच्छा सुन, टाइनी कोचर कासिम खान को कॉन्टेस्ट के लिए पिकअप करने जाएगा, तो बस उसका पीछा कर और मेघा को कॉन्टेस्ट तक ले आ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मेघा को कुछ नहीं होगा, आप घर पर ही रहना। अगर मेघा है या उसकी कोई खबर मिले तो मुझे फोन करना। थैंक यू, थैंक यू बेटा। बेटा, मेघा ने तुमसे जो भी कहा अंकल, लिए आप घर जाइए, मेघा कॉन्टेस्ट तक पहुंच जाएगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। वाह, क्या बात है कासिम खान,
कैसा लग रहा है कासिम खान? कयामत अंकल, कयामत अंकल, कयामत अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अंकल, हमारे गले पर चाकू रखते वक्त ये अंकल कहां गए थे? खैर, तुम्हारे अंकल होने के नाते हम तुम्हें एक मौका देते हैं। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, तुमने सही जवाब दिया तो अगर हम तुम्हें छोड़ दें और पुलिस तुमसे पूछे कि तुम्हें किसने किडनैप किया था, कासिम खान ने, तो तुम क्या जवाब दोगी? मैं कहूंगी, कासिम खान? कौन कासिम खान? लाहौल विला कुवत, कासिम खान कौन? भाई, कोचर का गाड़ी आ गया। हाँ ठीक है, ये गलत जवाब है। मेघा, कॉन्टेस्ट से लौटकर हम तुम्हें इतने घटिया जवाब की सजा देंगे। शेर अर्ज है, शायद गालिब का है। हाँ। आफताब की तरह कभी चढ़ता हूं कभी ढलता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। वाह 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 वाह। टाइनी मियां, वहां प्रेस वाले होंगे ना? ऑफ कोर्स कासिम भाई। और टीवी कैमरा? कॉन्टेस्ट लाइव दिखा रहे हैं कासिम भाई, आप चलिए। तो कितने चैनल होंगे? यूट्यूब तो आ जा। ये ले इका। भाई साहब, ऊपर जाने का रास्ता कहां से है? सीढ़ी से। थैंक यू। लगता बाहर कोई लफड़ा हो गया। मैं बाहर देख के आता हूं, तुझे छमिया पे ध्यान देना और खजूर हिलना नहीं यहां से। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। हाँ क्या हुआ? आज रक्षाबंधन है, मेरी जिंदगी का आखिरी रक्षाबंधन। सच? क्या मैं तुम्हें अपना भाई समझ के राखी बांध सकती हूँ? भाई? तू ना सच में मुझे रुलाएगी? बांध। तुमने कभी किसी से राखी नहीं बंधवाई क्या? नहीं। बुना! ए बुना! क्या जमाना आ गया भूना, अपनी बहन पर भरोसा नहीं कर सकते। किधर सब लोग? भाग गई छमिया, ढूंढो बुआ, देखो। चल चल जाओ ऊपर, ढूंढ उसको। मेघा, मेघा बहना, बुना भैया तुझे ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो? तूने भी राखी बंधवाई? बस बस कर। मेघा, मेघा बहना, मिली क्या? नहीं। तो ढूंढ खजूर, फिर से राखी नहीं बनवाना। भाग। मैं उधर देखता हूँ। कुछ पता चला? कुछ नहीं। पुलिस मानने को तैयार नहीं कि अलमीरा कोचर ने मेघा को किडनैप करवाया है। और कासिम खान का किसी ने नाम तक नहीं सुना। अब क्या होगा? जाओ। वरुण, जाओ, कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। वरुण, मुझे नहीं जाना। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, हर बात पर मनमानी, कभी और किसी के बारे में सोचा है? वरुण, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन इस सब के लिए टाइम नहीं है।
वो कॉन्ट्रैक्ट याद है जो तुमने साइन किया था? अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में नहीं पहुंची तो तुम्हें अलमीरा को 25 लाख रुपए देने होंगे। क्या? ये मैं नहीं जानती थी, ये तो धोखा है। देखो, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हें कॉन्टेस्ट तक ले आऊंगा। तुम्हारा कॉन्टेस्ट आ गया, मेरा वादा पूरा हुआ। नहीं जाना चाहती, मत जाओ। अलमीरा को पैसे मैं दे दूंगा। अरुण, तुम बहुत अच्छे हो, शायद दुनिया की सबसे अच्छे लड़के हो, और हो सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूं, पर मुझ में एक छोटी सी अच्छाई बाकी है। मैंने किसी को मुझ पर या मेरे परिवार पर तरस खाने का कोई हक नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं। हेलो, हेलो अंकल, वरुण। हाँ, मेगा कौन सा फोन किये? वो ठीक तो है? आप फिक्र मत कीजिए, मेगा ठीक है। मेगा का फोन? हाँ, जल्दी टीवी लगा। टीवी? मेगा कॉन्टेस्ट जा रही है। मेगा? अरे टीवी टीवी टीवी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम एवरीबॉडी टू द मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2003। ड्यू टू लिमिटेड बजट द ऑर्गेनाइजर्स अपोलोजाइज। आई एम योर होस्ट फॉर द इवनिंग, माय नेम इज साइरस ब्रोचा। इस साल स्विम सूट राउंड नहीं है तो सारे मर्द घर जा सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग, कम बैक। जैसे कि आप सबको मालूम है, द मिस इंडियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। मैं शीतल, मेघा की फ्रेंड। वो है क्या यहाँ पर? I can't believe this. देखो क्या है? Look. Where did it go? रिज जी, ये पागलपन है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीतल जी, अगर मेघा जी वक्त पे स्टेज पर नहीं पहुँची तो उनकी फैमिली बहुत मुश्किल में आ जाएगी। और अगर वो नहीं आई तो? वरुण मेघा को डॉन के अड्डे से छुड़ा कर पहुँचता ही होगा, बट इन केस वो लेट हो गया तो पहले राउंड में आप सारिका बनकर स्टेज पे जाएंगी। पर मैं मेघा जैसे बिल्कुल नहीं लगती हूँ। देव, 8th में बुलेट। अलमीरा। ओ सोनेल, रिलैक्स, वो आ जाएगी। स्टेज पे सब लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाएंगी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सोनेल, मुझे सारिका पे पूरा विश्वास है। हाँ। मैं आपका विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ मैम? आपका विश्वास ही तो मेरे लिए सब कुछ है। सारिका बाबा, हम थोड़ा वेट कर करके पागल हो गए ऑलमोस्ट। Now quickly get ready, I'll get the other girls ready. Girls! आ तो गई हो। देखते हूँ स्टेज पे कदम कैसे रखोगी। एक बात पूछूं मैम, जब मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूंगी तो क्या ये ताज आप अपने हाथों से पहनाओगी या कोई और? That bloody... I'll kill her! तुम जाओ स्टेज पे। कसम खान, मैं संभालता। वो स्टेज पे नहीं आएगी। हाँ। नहीं आएगी वो स्टेज पे, समझे? नहीं आएगी। Ladies and gentlemen, put one of your hands together for the beautiful, the gorgeous, the lovely Mrs. Almira Kocher. Almira ji, एक दो शब्द प्लीज। 15 साल से मिस इंडियन ब्यूटी पैजेंट मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग की दुनिया को एक नया तोहफा देता है, एक नया चेहरा जो हर शो, हर एडवर्टाइजमेंट। अबे क्या क्या रहे हो तुम लोग? सारिका यहाँ पहुंच गई है। हाँ? सारिका को छोड़ो कानी भाई, अब तो मेघा भी भागकर यहाँ आ गई है। चुप कर। अबे तेरी तुम्हें। मैं अपने जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सेक्सी बेबी मैगजीन की एडिटर पैमेला पैटरसन, मशहूर सोशल वर्कर मिसेस झुनझुनवाला, खूबसूरत सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स के मिस्टर ईरानी, चुनीलाल पान मसाला के मिस्टर चुनीलाल, और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू दिस इयर्स मिस इंडियन ब्यूटी पेजेंट 2003। और अब पेश करते हैं द मोमेंट यू ऑल बीन वेटिंग फॉर विद बेटेड ब्रेथ, होपफुली नॉट बैड ब्रेथ। यस, अब पेश करते हैं द फर्स्ट राउंड। मैडम, सारिका कहाँ है? वो रही मेघा।
अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुम्हारी जगह शीतल को स्टेज पे भेजने वाला था। कहाँ है शीतल? शीतल, शीतल, अरे यहीं थी। कहाँ? मिल गई। वाह मेरे दोस्त, जिंदगी पहली बार तूने ढंग का काम किया है। चल चल। ए, इसे लेके जा, वापस मत आने देना, समझा तू? तुझे तुम्हें बाद में देखूंगा। चल 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 चल। सारिका तो मिल गई, अभी वो मेघा किधर है? हाथ नीचे, हाथ नीचे कर। ये कौन है? सारिका। और अब हम मिलेंगे अपने कंटेस्टेंट से, जो एक-एक कर यहाँ मिसेस चुनचुनवाला, प्लीज एंजॉय द शो। और फिर मैं उनमें से अपनी पत्नी चुनूंगा। ही वांट्स टू लीव जोक। एक सेकंड। हेलो, हाय डार्लिंग। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था डार्लिंग। चुनी ओके? आपने स्टेज पर हमारा नाम नहीं लिया। मेघा को देखकर शायद भूल गए, इडियट। मोहतरमा, अपनी जबान के घोड़े को तमीज की लगाम दीजिए। और गधे का क्या करूं? तो गया मत। Sorry about that, folks, but let's get back to the show. Welcoming on stage contestant number one, Andra. के फादर आर्मी में कर्नल थे। अंतरा इस देश के हर कोने में कुछ वक्त रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज अ ट्रू इंडियन। कंटेस्टेंट नंबर वन, अंतरा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हर मुश्किल का डट के सामना कर सकूं। नहीं भाई, मैं बोलता हूँ, सारिका और मेघा अलग अलग है। क्या बकवास कर रहा है? मेघा, कंटेस्टेंट नंबर थ्री, सीमा। ले जाओ इसे, ले जाओ। यस सर। ले जाओ, ले जाओ। सिक्योरिटी, अबे तू क्या देगा, जा उधर। तू कहाँ भागेगी? मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये ले स्टूपिड गुंडे, और ले। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कॉन्टेस्ट खत्म होने तक सभी इसी तरह इसी जगह खड़े रहेंगे, समझे? And our final contestant, contestant number 20, सरिका। Anyway, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जोक याद आया। मेरा एक दोस्त फैशन कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता था। Always late, कभी टाइम पे नहीं, किसी की भी फिकर नहीं, चाहे शो हो ना हो। अगर तुम लोग चाहो तो उसे डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो। लड़कियों को सजने संवरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और हुस्न का असली मजा तो इंतजार में है। क्यों मोहतरमा, अभी आ जाएगी बेचारी। कोई मत हिलना। मिस्टर कोचर, रक्षंदा आपको ढूंढ रही है। उससे उसके ब्लाउज के बटन्स बंद नहीं हो रहे। क्या? Can you help her? इसे मैं संभालता हूँ। हिलना नहीं। टेंशन खत्म। Ladies and gentlemen, at last we've got Sarika, contestant number 20, Sarika. बास्केटबॉल में दिलचस्पी है, उसे गाना पोहे खाना। ए मात्रे, मात्रे, टीवी लगा, टीवी।
हमारी मेगा टीवी पे देख। But above all this, because of her dazzling smile and beautiful features, she is the winner of the Miss Photogenic title 2003. Ladies and gentlemen, Sarika! बात करेंगे यार सारिका इस कट जाएगा जो भी आएगा शमशीर निगाह के सामने क्या फेस है यार कट जाएगा जो भी आएगा शमशीर निगाह के सामने रोके जो हमें जल जाएगा सारिका अपनी प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी है क्या कहते हैं मेरी बेटी तो बिल्कुल सारिका जैसे सुंदर दिखती है चुनीलाल जी अंतरा isn't she the best देखकर मुझे अपने मॉडलिंग के दिन याद आ गए शी विल डेफिनेटली विन अंतरा मैं तो सारिका को फुल 10 points दे रही हूँ क्या हम तो 10 के 10 देंगे मैं भी सारिका को फुल 10 दे रहा हूँ चुन्नी तुम 9.5 थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए ना सुभान अल्लाह ये लीजिए हे टोनी जस्ट अ मिनट कम ऑन गाइस इतने सालों से मैं ये कॉन्टेस्ट कर रही हूँ मॉडलिंग के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जानता है सारिका तो कुछ भी नहीं है वो जीती नहीं सकती लो अगर तुमने ही डिसाइड करना था तो हमें क्यों बुलाया क्योंकि रानी ने कहा कि प्लीज मेरी झुनझुन को ले लो तुम्हारे हस्बैंड जानते हैं कि तुम किस किस्म का सोशल वर्क करते हो अलमेरा दैट्स डिस्गस्टिंग आप बहुत गिर के बात कर रही हैं मोहतरमा अच्छा नहीं लगता आप मॉडलिंग की दुनिया की बुजुर्ग हैं मैं क्या हूँ
बुजुर्ग। बुड्ढी, तुम बुड्ढी हो गई हो अलमीरा। ठीक कहा बदतमीज बुढ़िया। बदतमीज बुढ़िया को बेचे क्यों? मोटू, कब बेचने वाला? तूने मुझे बुढ़िया कहा? एक शेर अर्ज है, शायद गालिब का है। हुस्न जब कीचड़ में कुश्ती लड़ता है, हुस्न जब कीचड़ में कुश्ती लड़ता है, गालिब क्या मजा आता है? Shut up! वो टके का डॉन, यू किडनैपर, मर्डरर। आप खुद खामोश होंगी कि मैं खामोश करूं? दो हफ्ते से टिम ग्रे को मैंने मर्डर करने को कहा था। सुबह कहते हो कि सारिका को किडनैप किया है, शाम को वो लफंगी यहाँ मटक रही है। अरे तुम्हें कोई हक नहीं जज बनने का, यू ब्लडी डॉन। भाई शपथ, ये औरत टोटल पागल हो गई है, सब कुछ टीवी पे बोल दिया। जेल भेजने के लिए काफी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगता है हमारे जजेस फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ, तो मुझे सारे कॉन्टेस्टेंट्स अपने घर ले जाकर फैसला करना ही पड़ेगा। ओके, ये रहे हमारे 5 फाइनलिस्ट के नाम। Contestant number 1, Antra. Oh my God, it's me. Contestant number 7, Anchal. Contestant number 8, Meher. Contestant number 18, it's Arpita. And ladies and gentlemen, last but not the least, ek baaki hai, naam hai. Any guesses? Sarika. That's wrong. You're right. Sarika. Contestant number 20, Sarika. Main contestant se ek-ek kar ek sawal poochunga aur unke jawab yehi faisla karenge ki who is our Miss Indian Beauty 2003. Contestant number 1, please come on stage, the beautiful Antra. Congratulations, Antra. तुम्हें कामयाबी की प्रेरणा किन औरतों के जीवन से मिलती है? सवाल समझ में आया? या। क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया। टेक योर टाइम। मुझे अपनी जिंदगी के लिए प्रेरणा मिली है स्वर्गीय मदर टेरेसा जी से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से और स्वर्गीय अलमीरा कोचर जी से। Sorry. Very good. Don't worry. हम सब कभी-कभी बेवकूफी करते हैं और इसके लिए मुझे पैसे भी मिलते हैं। No problem. Thanks for coming. Ladies and gentlemen, Antra. Well done. तुम इंतजार करोगे? इंतजार तो उनका किया जाता है जो लौट कर आते हैं। तुम्हारा सपना तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा मेघा, मुड़कर देखने का वक्त नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट, अब जाओ, जीता हो अपना ताज। अरे चलो डार्लिंग, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रुकी और तुम यहाँ खड़े हो, कम ऑन लेट्स गो। कौन? हेलो सरिका, एवरीबॉडी हेलो। So, Sarika, समझो मैं साइरिस द जिनी यानी एक जिन हूं और तुम्हें 3 वरदान देता हूं, that is 3 wishes. अगर ऐसा हो तो तुम क्या मांगोगी? Think about this. What will be your 3 wishes? मेरी पहली wish ये है कि मैं फिर कभी कोई झूठ न कह सकूं। इसके लिए मुझे किसी जिन की जरूरत नहीं है, मुझे ये हिम्मत करनी होगी, मुझे ये सच कहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और सच ये है
कि मैं सारिका नहीं हूं। सारिका एक झूठ है जो मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कहा, एक ऐसा झूठ जो मुझे अपनी सच्चाई से इतना दूर ले गया कि मैं भूल ही गई कि मैं कौन हूं। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है, मेघा टिमगिरे। मैं भूल गई थी कि मैं दुनिया के सबसे सीधे सच्चे माँ बाप की बेटी हूं, जिन्हें मुझ पे पूरा भरोसा था कि उनकी मेघा कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी विश ये है कि मेरे आई बाबा किसी तरह अपनी मेघा को माफ कर सके। आई बाबा, I'm sorry, माला माफ करा, I'm sorry. Hey, it's okay, come on. और तीसरी विश मेरे आका? Come on. मेरी तीसरी विश? मेरी तीसरी विश वरुण सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। याद है मैंने तुमसे कहा था ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए सब कुछ है। मैं गलत थी, तुम्हारे साथ एक पल के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये कॉन्टेस्ट, ये ताज, सब कुछ। आई लव यू वरुण, प्लीज मुझे यहां से ले जाओ, मुझे यहां से ले जाओ वरुण। शुरू करें? कहां से? शुरू से। हाय वरुण। सारिका। हाँ? मेघा। अरे जरा ठहरो मियां, इस मुकाबले का नतीजा तो हमें सुनाने दीजिए। मेघा, 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 मेघा। वातिनों हजरात, हम सब जजेस ने मिलकर फैसला किया है के इस साल की मिस इंडियन ब्यूटी। रुक जाओ मेघा टिमगिरे, आज तक किसी ने मुझे हराया नहीं। ये ताज मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं हूं मिस इंडियन ब्यूटी। रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ताज, शायद गालिब का है। हम गिरे तुम गिरे, हम गिरे तुम गिरे, सारी दुनिया गिरे। अवार्ड गोज टू मेघा टिमगिरे। Where are you going, Johnny?
की आंखों में एक सपना है, नाम शोहरत फेम। मैं अलमीरा कोचर तुम्हारी किस्मत बना सकती हूँ। अलमीरा कोचर, जिस आदमी का आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था वो इस शहर का सबसे खतरनाक डॉन निकला, कासिम खान कयामत। एक शेर अर्ज है, शौहरत जो मिली तो आंख में आंसू आ गए, शौहरत जो मिली तो आंख में आंसू आ गए, गालिब रुमाल है क्या? वाह वाह वाह। अरे क्या? नहीं नहीं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। हाँ, बात यह है कि मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा। अरे नहीं देख 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 देख, मैं काटूंगा काटूंगा। अरे अरे बचाओ बचाओ। मानो अगर दिल से तो खुदा, ना मानो तो पत्थर राहों में, ना जिस्म ना चेहरे में छुपा हुस्न है। चली आ, ओ कभी देख के दिल रुक जावा।